आप लोगों को बता सकते हैं वो चीजें हमें नहीं मालूम थी, इनसे हमें अभी मालूम लगा। 10 मिनट बाद ही होगी मोटा मोटा का। और इतनी ये पुल मशीन से आज नहीं हुए, जब बात करके पता चला तो इन्होंने बताया 2009 से ये पुल मशीन से जुड़े। और मैं कहता हूं अगर 2009 से पुल मशीन से जुड़े तो कितने साल हो गए? आज मेरे हिसाब से 10-12 साल हो गए। 2009 से जुड़े हुए हमारे साथ एक बार जोरदार तालियां, जो भी कोई समय देकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमें गर्व होना चाहिए। और हमारे साथ जब भी खड़े तो ये पुल मशीन की क्वालिटी है। 2009 से हमारा ट्रैक्टर अटैचमेंट लोडर चला देते हैं, इन्होंने मशीन क्यों ली? क्योंकि इन्हें विश्वास था हमारे ऊपर। अगर हमारे ऊपर विश्वास हो गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्हें कैसे विश्वास हुआ ये बताएंगे, ये पुल मशीन में कैसे जुड़े, 2009 में इन्होंने क्या प्रोसेस देखा था, तो थोड़ा सा अपने बारे में पूरा बताएं। और देख ले चलाने के बाद आपको बेहतर होगा कि मैं सही जगह पर पहुंचा।
के बारे में बताइए आपने किस तरह हमें सर्च किया, किस तरह आपकी जर्नी रही। एक बार भाटी सर का रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार उनका वेलकम कीजिए। तो वेलकम बॉबी राजपूत जी। मैं बॉबी राजपूत मोरैया सर्वप्रथम छोटे भाइयों को नमस्कार, मेरे भाइयों को प्रणाम, भाटी जी आपको प्रणाम, अमित भाई नमस्कार। और क्या है कि हमारे प्रणाम टीचर जी मोरैया से और मसीह लीजिए लगभग 4 महीने हो गए। तो मेरा प्लान तो जैसे ही कर रहा देने का, जब उनकी मसीह मैंने देखी चलती हुई देखी और उन्होंने बताया सुझाव दिया कि बोल देख लो और अच्छी मशीन है, तो फिर तमाम चीज देखने के बाद मैंने बुल को ही चुना और लगभग 4-5 दिन में हमारी गाड़ी डिलीवर हो जाएगी, फिर उसके बाद जो भी होगा मैं देखेंगे। भाटी जी नमस्कार। धन्यवाद बॉबी राजपूत के लिए, बहुत बहुत तहेदिल से आपका धन्यवाद। अब मैं भाटी सर से गुजारिश करूंगा, सर एक बार आप कंपनी के बारे में बताइए और कंपनी का इंट्रोडक्शन दीजिए। फार्मूला है, हम जो भी काम करते हैं वो नंबर 1 पे करते हैं। अभी मैं सभी से एक चीज जानना चाहूंगा, जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी अभी आप मशीन मालिक भी हैं, ऑपरेटर भाई भी हैं, ये जो प्रोग्राम हमने किया था ये ऑपरेटर भाइयों के लिए रखा, तो सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आप सभी में से मुझे कोई ये बता सकता है कि बैको लोडर में जो मशीन आपके पास यहां पीछे खड़ी है, क्या कोई जानता है ये कितने नंबर पे है आज? जैसे नंबर कितने पे होगी सभी बैको लोडर में, बहुत सारी कंपनी बैको लोडर की है आप सब जानते हो, तो आप क्या मानते हो भूल का नंबर कहां होगा? कोई भी गैस करे और बताएं जरूर। कौन बेचती है चौथे पे, कौन बेचती है, ऐसे भूल कहां है जी? नंबर 2 पे, बिल्कुल सही एकदम। और बाकी जी को हमारी तरफ से एक गुलाब का फूल, क्योंकि अभी तक ये सच्चाई है उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, बस यही मैं जानने की कोशिश करता था क्या करना पड़ा। दुनिया की अकेली ये मशीनें, दुनिया की अकेली, वर्ल्ड की, पूरे संसार की अकेली मशीनें ये जो 42 प्रकार के काम कर सकती है मशीन, मट्टी खोदने और भरने के अलावा। क्यों लेगा कोई तुम्हारी मशीन वो भी कैश में, मजबूर कर दिया अपने कस्टमर को खरीदने के लिए, कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं छोड़ा कैश वाले कस्टमर के लिए जिसको पैसा था, ऑप्शन नहीं छोड़ा कि वो इस मशीन के अलावा दूसरी मशीन पे चला जाए, हमने इसमें अटैचमेंट लगाए। मैंने सबसे पहले पेपर मिल पकड़ा, आज कोई भी पेपर मिल पूरी दुनिया का, भारत का ही नहीं कहता, बिना होल मशीन के नहीं चलता। कोई भी पेपर मिल बिना बुल के नहीं चलता। और पेपर कितना यूज होता है, आपके यहाँ भी पेपर यूज हो रहा होगा, आपके हाथ में लिपलेट है वो भी पेपर यूज हो रहा होगा, हमने एक भी पेपर मिल नहीं छोड़ा। कैसे? हमने कहा हमारी मशीन तुम्हारे जहां पे 25-30 लेबर 40-50 लेबर काम कर रही है, हमारी मशीन उस काम को कर देगी, आप हमारी मशीन लोगे पेपर मिल तो कैश लेते हो, क्योंकि लिमिट होती है, फाइनेंस का कोई पता नहीं होता। हमने उनको पकड़ा, आपके शहर में ना सबसे बाद में है इटावा जैसे क्षेत्र में, कभी थोड़ा सा इटावा का काम थोड़ा दूसरी तरह से होता है, जब तैयार हो गए तब इटावा में आए, उससे पहले हम इटावा में पैर भी नहीं रख पाए। इटावा में जब आए जब हम तैयार हैं आपके साथ लड़ने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, जब मशीन परफेक्ट हो चुकी है तब इटावा में पैर रखा, उससे पहले हम इटावा नहीं आए। हमने पेपर नहीं पकड़े, उन्होंने कहा है ये मशीन तो उनको जेसीबी तो ये काम कर नहीं सकती, वहां पे पेपर होता है, पेपर में कचरा होता है, कचरा रेडिएटर के अंदर घुस जाता है, मशीन हीट हो जाती है, सीज हो जाती है, चलती नहीं है जेसीबी पेपर देख के अंदर।
सिर्फ चलती है वो सिंगल रेटर, मतलब डिजाइन ही हमने उसके हिसाब से कर दिया ताकि उसको मजबूरन खरीदनी पड़े, मशीन मजबूरी में खरीदेगा। कोई भी आदमी अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार, हमारी जितनी भी मशीनें अभी तक चलती थी, यानी कि मैं 2018 से पहले तक की बात कर रहा हूँ, 2018 से हमने आप लोगों के बीच में आना शुरू कर दिया था हायरिंग सेगमेंट बोलते हैं इसको, किराया करने वाले कस्टमर जो होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या भट्टे वाले होते हैं, भट्टे वालों को भी हम स्टार्टिंग में पकड़ लिए थे। तो कोई भी मशीन जो कोई ना दे पाए हमने वो दिया। पेपर मिल रोड कॉम्पैक्टर फिट होता है इस मशीन के ऊपर, रोड कॉम्पैक्टर जो रोड को कॉम्पैक्ट करता है, कंक्रीट मिक्सर जो आप कोई भी लेंटर या कोई भी कंपनी बनती है या कोई भी स्टॉप कर दी, बंद कर दी, बिल्कुल ताला मार दिया, नहीं चाहिए ये मशीन। अब समस्या रेट, पैसा चाहिए। आरएनडी की टीम बोली सब कुछ कर देंगे जो आप चाहते हो, वो तो गुस्से में चला रहा है, दारू पी के भी चलाए जब भी मशीन नहीं टूटेगी, लेकिन हमें पैसा चाहिए। आज ये मशीन जेसीबी से महंगी पड़ती है, लेकिन आप लोग खरीदोगे नहीं ना, क्यों खरीदे जेसीबी से महंगी, नंबर वन लीडर है, सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन ये सच्चाई है इसकी कॉस्ट उससे ज्यादा आती है, हमें बेचनी उससे नीचे पड़ रही है। इस मशीन की जो क्वालिटी पे इतना ध्यान दिया गया, क्योंकि अगर आपने आज मशीन चलाई तो 3 साल बाद आप मेरी मशीन को दोबारा जरूर लेंगे, ये अपना मानना। अब हम 3 साल लेके चल रहे हैं, अब हमारा जो टारगेट है वो 3 साल है, नंबर वन। उन्होंने इस मशीन को बोला बिचारी, बोले सॉरी अगर ऐसा लगता, ये मशीन आपकी नहीं है, 3 साल तक ये मशीन आपकी है ही नहीं, क्योंकि कैश ये नहीं दी जाती, ये मशीन हमेशा लोन पे ले जाती है, 3 साल तक आपकी मशीन नहीं है, 3 साल तक आप हफ्ते होकर कमाओगे इससे, जितना भी है मेरा किस्त उतर जाए, किस्त उतर जाए, जब 3-4 साल हो गए किस्त उतरने के, नंबर आई तो मशीन आपने देखी तो खत्म हो गई, क्या बचा, दिल दुखता है उस समय, 3 साल बाद मशीन देखने के बाद दिल दुखता है। आप तो आप और भी 6 दोस्तों को ये कह के चला जाता है मशीन मत ले लेना दूसरी जेसीबी के अलावा। तो हमने इस मशीन में क्या किया, ऐसा हमने क्वालिटी क्या चीज चेंज करी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मशीन में आती है पिक और बुस्ट, जो कंडीशन खराब होती है, इसके 4 साल बाद कपड़ा मार, ये बचत अच्छी है। मैं क्या सोचता हूँ कस्टमर से कहता हूँ, कस्टमर कहता है अरे भाई साहब मैंने जब से लिए है ना मैं तो बढ़िया मजे में आ गया, तो हम कहते हैं बुल का लोहा बढ़िया है, लेकिन आज पता चल रहा है बुल का लोहा हुआ कुछ बढ़िया नहीं है, ये कैलकुलेशन बढ़िया है, ये बचत करके दे रही है, मेंटेनेंस में ये बचा के दे रही है, डीजल में ये बचा के दे रही है, और अभी क्या जोड़ा था हमने काम, और ये अब इसे आधा कर दीजिए आप, मत करिए 4 में नहीं भर रही, क्योंकि किसी ने चैलेंजर चलाई हो तो मुझे बताएं, 1 पे ले लीजिए, मतलब आधा कर लीजिए बिल्कुल, अगर आधा भी करते हैं तो कितना हो गया 60,000, किस्त कितनी होती है साठ सत्तर, अगर मैं डीजल और काम दोनों चीजों को जोड़ू इंजन की सर्विस करके आप चला सकते, और घरों में मशीन चलती है तो आपका डीजल का खर्च ज्यादा आएगा
कॉफी पीने बना रहा है ना।